हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी का किचन में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ चावल और उड़द की दाल की इडली। दोस्तों, अभी तक हमने सूजी की इडली शेयर की थी, आज मैं उड़द की दाल की और चावल की इडली शेयर कर रही हूँ। चलिए मैं इसकी विधि बताती हूँ। हमने सबसे पहले 2 कटोरी उड़द की दाल ले लिया है, आप चाहें तो और ले सकते हैं आप अपने अनुसार, क्योंकि आप कितने लोगों के लिए बना रहे हैं उस क्वांटिटी के हिसाब से। इसको हम रात में ही भिगो देंगे। और हमने चावल भी 4 कटोरी ले लिया है, क्योंकि उड़द की दाल से 2 गुना चावल लगता है। और इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे और उड़द की दाल को भी अच्छे से साफ़ करके भिगोएंगे। हमने 4 कटोरी चावल ले लिया है, इसको भी अच्छे से साफ़ करके भिगो देंगे रात में। ऐसे ही भिगोना है इसको। और रात में भिगोने के बाद क्या होगा, चाहे आप सुबह भिगोइए, रात में पीस लीजिए, या रात में भिगोइए सुबह पीसिए, पर इसको कम से कम गर्मी में 6-7 घंटे और ठंड में 12 घंटे इसको पीस कर रख लेंगे। मिक्सर में पीस कर इसको ढक कर रख देंगे ताकि अच्छे से फूल जाए। अब इसे हम रख दिए हैं रात भर के लिए। और दोस्तों, और इसमें हम बता दें आपको कि मेथी दाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि मेथी दाना से बहुत टेस्ट आता है। अब सुबह हो चुकी है, इसको हम अच्छे से वाश कर लेंगे। उड़द की दाल को बहुत ज़रूरत रहती है, क्योंकि इसके ऊपर छिलके रहते हैं, और बिना छिलके वाली भी दाल आती है, उसको भिगोइए तो और बढ़िया रहता है, टाइम की भी बचत रहती है। इसको अच्छे से हम वाश कर लेंगे। और जो चावल है वो भी फूल गया है, इसको भी हम 2-3 पानी वाश कर लेंगे। ऐसे ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। हम आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आएंगे। अब ये देखिए, वो मेथी दाना भी फूल गया है, इसको रात में भिगो देंगे तो बढ़िया रहेगा, पिसने में महीन पिस जाएगा। अब इसको अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, ऐसे ही पूरा बढ़िया मिक्स हो जाना चाहिए। देखिए, ये पूरा ऐसे दाल चावल दोनों भी हम इसमें अच्छे से पीस लेंगे। चाहे आप मिक्स करके पीसिए, चाहे अलग अलग करके पीसिए, मिलाना तो है ही वैसे भी। अब ये देखिए, इतना कम लग रहा है पीसने के बाद, लेकिन क्या है कि जब आप इसे रात भर रख देंगे ढककर, गर्मी का मौसम में है तो ये फूल कर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऐसे ही हो जाएगा, फूल जाएगा। और इसमें थोड़ा सा नमक मिला दीजिएगा। उसके बाद अब इसको हम फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद क्या है कि आप देखिए फ्राई किस किस चीज़ से हम कर रहे हैं। और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, राई डालेंगे, जीरा हमको नहीं अच्छा लगता इसलिए हम जीरा नहीं डालते हैं, करी पत्ता है और लाल मिर्च है, इससे हम फ्राई कर देंगे। इससे क्या है, स्वाद और बढ़ जाता है। ऐसे इसको फ्राई करेंगे। अगर पैन उसमें डाल देंगे तो पैन में भी लग जाता है, इसलिए हमने ऊपर से ही इसको छोड़ दिया। और इसको अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, उसके बाद अब क्या करेंगे, जिसमें हमको बनाना है इडली मेकर में, उसको अच्छे से पहले वाश कर लेंगे, क्योंकि रोज़ तो बनता नहीं है तो इसको धोना ही पड़ता है अच्छे से। और पानी सुखाकर इसका इसमें ऑयल लगा लेंगे ताकि इडली बनने के बाद अच्छे से निकल जाए। पानी अच्छे से इसको पोंछ लेना है, नहीं तो क्या होता है, तेल लगाने के बाद भी निकलने में परेशानी होती है। सब में लग गया है ऑयल, और हमने पहले से ही पानी इसमें रख लिया था। इसको थोड़ा सा, जब इसको पहले गैस पे रख लेंगे और पानी गुनगुना हो जाएगा या खौलने लग जाएगा तभी रखना है। अब ये देखिए, ऐसे ही इसमें बैटर को ऐड कर देना है। इसमें ध्यान रहे आप लोग, चाहे मीठा सोडा, बेकिंग सोडा या ईनो ऐड कर सकते हैं। और इनो अगर ऐड करना है तो थोड़ा थोड़ा बैटर जो आप यूज़ करेंगे उसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, पहले से पूरे में ऐड नहीं कर देना है। अब इसको ऐसे ही सेट कर देंगे। अब उधर हम पानी उबलने के लिए रख दिए थे, पानी उबल भी रहा है। ये देखिए, पानी गर्म हो चुका है, अब इसको इसमें हम ऐड कर देंगे। अब इसमें भी सीटी आती है, पर सीटी ये नहीं है कि कुकर की तरह बोलती है, कुकर की तरह नहीं बोलती है, पर सी सी करके करती है। तो कम से कम 10 मिनट इसको पकाएंगे, उसके बाद इसको हम हटाएंगे। अब देखिए, 10 मिनट हो गया है, हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। अब इसको हम दिखाते हैं आपको चाकू की मदद से। चम्मच है, स्पून है, उसी से हमने इसमें थोड़ा सा लगाया है, तो इस चम्मच में बिल्कुल नहीं लगा है बैटर, तो समझ जाइए पक चुका है। अब इसको हम एक थाली में, प्लेट में निकाल के आपको हम दिखाते हैं कि कैसे हमारी इडली बनके तैयार हो गई है।
सच में कह रहे हैं, अगर आप ऐसे ही बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। आप अपने घर में ज़रूर कोशिश करिएगा। ठंडा हो जाएगा इडली तभी निकालिएगा, बिना ठंडा हुए निकालेंगे तो ऐसे ही निकलेगा जैसे हम निकाल रहे हैं, पर तब भी बहुत अच्छा निकला है क्योंकि हम वीडियो बना रहे थे तो हमने सोचा जल्दी से निकाल के दिखा देते हैं। बच्चे लोग घर में चिल्ला रहे थे मुझे खाना है मुझे खाना है, तो हमने सोचा पहले हम थाली में सजा के प्लेट में दिखा देते हैं आप सभी को, क्योंकि आप सभी को उत्सुकता भी होगी देखने के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको जो भी रेसिपी पसंद हो तो हमें कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि हमको ये रेसिपी चाहिए, हम आपको वही रेसिपी लेके जरूर आएंगे। और ये जो नारियल की चटनी है इसको हमने चना दाल वाली बनाई है इसलिए पीली दिख रही है। अगर आपको चना दाल वाली रेसिपी चाहिए नारियल की चटनी की तो हम जरूर लेकर आएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा। अब इसको हम इस इडली को इतनी सॉफ्ट बनी है कि इसको हम तोड़ के भी दिखाते हैं। आइए आगे वीडियो में, ये देखिए इतना सॉफ्ट बना है, एकदम जालीदार इंस्टेंट, एकदम बढ़िया मस्त। आप इसको नारियल की चटनी के साथ सर्व करिए, खाइए और मज़ा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।